تفکر مدرن و سنتی را می‌رساند. تاکید تئوری سرگردانی و تردید مهم تصمیم سازی است. رنج باشه، محرومیت باشه، فرق باشه، زنی که حتما در پی لذت زندگی تناقض مجدد و مغز مجدد این تصویر نشون دهنده به این شعور سرگردان به شوهر معتاد باشه، یه شوهر دادن باشه، شوت باشه، محرومیت باشه، تناقض مجدد این تصویر نشون دهنده به این شعور باشه، فرق باشه، بحران ذهنی، بحران ذهنی. اما متاسفانه رو تفکر مدرن سنت از این بحران ذهنی انتخاب شده، بحران سرگردان क्वालिफिकेशन कितनी है? ग्राफिक्स मास्टर। अच्छा, आपकी अफसाना निगारी खुदादाद सलाहियत है या फन है? दोनों। अजीमी की एक रिश्तेदार को मैं जानता हूँ। मेरी बहन मुतरजमा है, सानाज अजीमी। हाँ हाँ, याद आया, सानाज अजीमी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह फ्रांसी से मुतरजमा है। ठीक कहा आपने। जाहिरी तौर पर तुम्हारी कहानी में कोई परेशानी नहीं है। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, गीती जिसको अपने शौहर से किस कदर प्यार था। ये जुमला सही नहीं है, ऐसी ही बातों को छुपाना जरूरी है। तो जनाब अलवीज का मतलब ये हुआ कि इजाज़त नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब आपने इजाज़त दे दी? जी बिल्कुल दे दी, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करना लाजमी है। कलम और कागज है आपके पास? जी हाँ। बारवां सफा। इस सफे पर आ जाए अंदर। यजदान बना साहब आए हैं। उनसे माजरत कीजिएगा, आज हमें बहुत सारा काम है। उनसे कहिएगा 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपकी मीटिंग भी 11 बजे है। हाँ मुझे याद है। फलाहत साहबा, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। जी बेहतर। माफ कीजिएगा। 12वें सफे की 6ठी, 7वीं और 8वीं लाइन में औरत के एहसासात जो शादी की पहली रात से मुतालिक हैं, इन्हें आसान और सलीस अल्फाज में बदल दें। मगर ये मतालिब अहम है, इनको बदलने से पूरी कहानी खराब होगी। इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं समझी, इसे तब्दील करें। यानी बदल दें। लेकिन एक आम औरत इन कनाइयों और इशारों को कैसे समझ पाएगी? लेकिन एक आम औरत इस हद तक भी खुले जहन की नहीं है। आम औरत के पास शर्म और हया की भी अहमियत होती है। फालतू जुमले कम कर दें आप। हकीकत है और सच्चाई लिखने में क्या बुराई? आपकी कहानी बहुत ज्यादा सच्चाई पर मबनी है, इसको फालतू जुमलों से खराब न करें। लेकिन आप नोट कर लें, 12वां सफा लाइन नंबर। जाइए मैडम, स्टोर में गई हैं, अभी आती होंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर। जी आता हूँ। कहानी को वहाँ ले जाएं और जमा करा दें। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाएं। जी बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाए बेटा, तशरीफ लाएं।
किया? कुछ गलतियां हैं अभी। कैसी गलतियां? इसे खोलें, पहला सफा निकालें। बारवां सफा, छठी, सातवीं, आठवीं लाइन, ये क्या है? गीती की बातें हैं अपनी बहन के साथ शौहर के कमरे में जाने से पहले। निकालनी है? नहीं, गीती की बातों को तब्दील करना है। यानी कैसे करोगी? फहाश बातों को कम करूंगी। हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। सफा नंबर 37 से 40 तक निकालना है, ये क्या है? गीती के ख्यालात। ओ, किन बातों को निकाल रही हो? ये तीन सफ़े तो तुम्हारी कहानी की जान हैं। ये तीन सफ़े कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हैं। तब्दील हो भी जाएं तो कहानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही कहानी तो है जो आपकी किताब को पढ़वाती है। अगर यही निकाल दिया तो कहानी में कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं? हाँ मोहतरमा, कुछ भी नहीं। देखो मराल, मैं तो इन्हीं रोमांटिक बातों की वजह से तुम्हारी किताबें अब तक छापती आ रही हूँ, और यही तो पढ़ने की चीज़ें हैं। अगर ये भी निकाल दिया जाए तो तुम्हारी कहानी बस एक मामूली कहानी रह जाएगी जो बस इखलाकी होगी। अगर आप सिर्फ रोमांस के लिए ही किताब को छाप रही हैं तो फिर बाकी के अगलात नामे को भी मत पढ़ें। इसी तरह की गलतियां हैं? जी बिल्कुल। तो फिर कहानी में कुछ बचा भी है? मैं अपनी ये रोमांस की किताब छपाना चाहती हूँ। मुझे लगता है इन मवाद के हजब होने से कहानी नहीं बदलेगी। मराल साहिबा, अभी तुम्हें लिखने का तजुर्बा थोड़ा कम है, काफी चीजें अभी तुम्हें सीखनी है। कौन सी चीजें मुझे सीखनी होंगी? देखिए मोहतरमा, ये किताबें मैं कहाँ रखूँ? अच्छा, किताबें मिल गई हैं इब्राहिम? स्टोर में 30 से ज्यादा नहीं थी। चलो ये भी गनीमत है, रख तो इनको अलमारी के अंदर। जी बेहतर, शुक्रिया। एक नफ्सियात की किताब, वो भी सादा जबान में, जिसमें मर्द और औरत की नफ्सियात के बारे में लिखा हो। ये किताब बहुत ज्यादा बिक रही है और मैं इसके 1000 से भी ज्यादा नुस्खे बेच चुकी हूँ। तुम नहीं जानती वो किताब कैसी है। यानी आप मेरी इस किताब को छापना नहीं चाहती है ना? मराल, मैं इसको अगले साल छाप दूंगी। खुदा हाफिज नहीं कहोगी? एक साल तक इंतजार करवाना चाहती हो तो उसी वक्त खुदा हाफिज भी कहूंगी। बहुत बदतमीज है। कहानी किस टाइप की है? क्या मतलब? इश्की है, तारीखी है, या सब शामिल है? सब शामिल है। सब शामिल है यानी बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं? नहीं, इतनी भी नहीं। माफ कीजिएगा, मेरे काम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए ऑफिस? किताब ले ली आपने? अभी क्या इरादा है? देख लो, एक अच्छी नॉवल है मेरे पास। जी मेरे पास आई हुई हैं, भेजता हूँ आपके पास। हाँ, नाम तो बहुत अच्छा है, गीती। तुमसे अच्छी कोई नहीं। आधे घंटे बाद गीती की राइटर मराल अजीमी आपके पास आ जाएंगी। हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें, 1:30 बजे से पहले आपके पास आ जाएंगी मराल अजीमी। जी खुदा हाफिज। मैं आपको एड्रेस लिखवा दूं या आपको याद रहेगा? लिखवाने की ज़रूरत नहीं। बहारिस्तान चौरंगी, सैफी अली शाह रोड, बिल्डिंग नंबर 30 की तीसरी मंजिल पर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहती हूँ हामिद साहब। जी मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। उनका कमरा कौन सा है? आप बैठ तो जाएं, थोड़ी सांस ले लें। क्या वो इस तक नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए लीमू पानी लाता हूँ। नहीं रहने दें। आपके आराम के लिए और ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए मुअस्सर है। शुक्रिया। माराल अजीमी, आ जाइए। कितना अजीब इत्तेफाक है, आज ही आपसे तीन बार मुलाकात हुई है। मैं सही कह रहा हूँ? मैं तकदीर पर यकीन नहीं रखती जनाब। लेकिन मैं तो रखता हूँ। जानती हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, लगता है मैं गलत जगह आ गई। खुदा हाफिज। अजीमी साहिबा, आप सही जगह आई हैं। मैं हामिद यज़दान पना हूँ, बाज़ीन प्रेस का मालिक। मेरी किताब आपके प्रेस के काम की नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? इस किताब की कहानी में मेरे और आपके अकायद में फर्क है। मेरे अकायद के खिलाफ लिखी है क्या? नहीं, लेकिन शायद ऐसा ही है। अंदाजा लगाने से तो बेहतर था कि आप मुझसे पूछ लेती कि हमारा प्रेस किस किस्म की किताबें छापता है। उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ। आपकी इत्तला के लिए आपको बताता चलूं, हमारा प्रेस अब तक दो किताबें शाया कर चुका है। एक और किताब अभी छप रही है। हमारी छापी हुई पहली किताब का नाम है सलामानो अफसाल, जिसे औरंगजेब निजामुद्दीन जामी ने लिखा है। आपने ये नाम सुना होगा। जी। हमारी दूसरी किताब जरीन दादवर की छोटी कहानियों का मजमुआ है। जरीन दादवर, वो मारूफ राइटर, और उनकी? जी हाँ, हमारी तीसरी किताब जिसको छापने की इजाजत हमें आज ही मिली है, इंसान एक पल का। ये किताब हर्बर्ट मार्कुज़ा की लिखी हुई है। क्या ये नाम पहले कभी सुना है आपने? कहानी की पहली कॉपी है और कुछ गलतियां इसमें मौजूद हैं। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। आपका फोन नंबर पहले सफे पर मिल जाएगा। अजीमी साहिबा, मैं कोशिश करूंगा 48 घंटों में आपसे राब्ता कर लूं। शुक्रिया।
नरगिस यहाँ आओ, तख्ती छोड़ दो और यहाँ आओ। कुर्सी ले लो और जहां खड़ी हो वहीं बैठ जाओ। तुम सब आगे आओ और देखो मैं क्या कर रही हूँ। चेहरे के अज्जा के दरमियानी फासले पर गौर करो और देखो, ये फासले चेहरों की पहचान के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तुम ऊपर से देख रही हो ना? मेरी बोतल कहाँ है? कहाँ रह गई है मेरी बोतल? अरे कोई बताएगा मुझे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे कहाँ मर गई? कोई है नहीं क्या? सानास, सानास, अभी मेरी क्लास है, बच्चे तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। मेरी बला से सुन ले। तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं है मगर मुझे है। वाकई? अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो जाओ उस बदतमीज को समझाओ फिर। क्यों ये मुझसे जिद करती है? मेरी बोतल को बाथरूम में ले जाकर सारी की सारी बहा दी है इसने। मुझसे आखिर इसको मसला क्या है तुम ही बताओ मुझे। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अफाक साहब बाहर निकलो कमरे से, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सानास, 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 चुप, बिल्कुल चुप, चुप, चुप हो जाओ बिल्कुल। हाँ, चुप। मैं तुम्हारी बोतल ढूंढ के लेकर आ रही हूँ, लेकिन तुम चुप रहोगी, शोर नहीं करोगी। हाँ। मैं हाथ हटा रही हूँ, तुम चुप रहोगी ना? चलो शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ। आफाक, मैंने तुमसे कहा था कि छुरी कांटों और चमचों को अलग करके रखना, क्यों नहीं किया अभी तक तुमने? ये मेरा काम नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा काम नहीं है? मुझे मना किया गया है। किसने मना किया है? ज
जरा तुम बाहर आओ, काम है तुमसे। मराल साहिबा, एक बोतल को खाली नहीं किया मैंने, वो डस्टबिन में डाल दी मैंने। नहीं नहीं, बस बस, नहीं नहीं। माराल अजीमी साहिबा जी, कहें। वादा किया था आपसे 48 घंटों में राब्ता करूंगा, 10 मिनट देर हुई, माजरा चाहता हूं। गीती को पढ़ लिया आपने? जी, 3 बार। समझ नहीं आई क्या? जी नहीं, अच्छी लगी इसलिए। छापने के लिए? जी हाँ, कल 8 बजे ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा। सुबह 8 बजे? हेलो हेलो, अम्मी कह रही हैं बोतलें खाली करें और तोड़ दें, कहीं इधर उधर छुपा दें ताकि पीने ना पाएं। फरोख साहिबा कह रही हैं। देखो आफाक, तुम अम्मी के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो, तुम किसी तरह से उन्हें समझा दो कि इस तरह करने से वो अपने नशे को तर्क नहीं करेगी। उसे ज़हनी इस्तराब है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो खुदा के लिए। उसे आखिरत और आकिबत का खौफ है। क्या मतलब आखिरत और आकिबत? फरोख सोचती है कि बाबा को जो दुख मिले क्या वो वापस हो जाएंगे? क्या आपकी बहन को नशे से जो नुकसान हुआ है वो उसे ठीक कर सकती है? तुम्हारे और अम्मी के शर से तो खुदा बचाए। दरवाजा खुला हुआ है, तशरीफ ले आए। अजीमी साहिबा जी, अंदर आप ही का इंतजार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए। मेरे ख्याल से इतनी सुबह आपसे मिलना मुनासिब नहीं था, मगर वक्त की कमी थी इसलिए माजरा चाहता हूं। कोई बात नहीं, हर किसी के अपने उसूल होते हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं भी अभी आपसे उसूलों के बारे में ही बात करने वाला था। जी फरमाइए। चाय पियेंगी आप? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ कहने से पहले मैं आपको आपकी कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहेंगी आप? जी फरमाइए।
एक अहम नुक्ता आपकी इस कहानी के अंदर मौजूद है। कैसा नुक्ता? मशरकी और मगरबी तहजीब के दरमियान एक फर्क का नुक्ता। जिस तहजीब की आप बात कर रहे हैं वो किस हिस्से में है? जो कहानी की बुनियाद में है। मैंने सोचा वजाहत के साथ जिक्र नहीं किया गया है, ऐसा ही है ना? हो सकता है। जी ऐसा ही है। बहरहाल आपकी इस जबरदस्त कहानी से मैंने कुछ नुकात जमा किए हैं, अगर आप कहें तो पढ़ के सुनाऊं? जी फरमाइए। गीति जानना चाहती है, समझना चाहती है, अपने हकूक का दिफा करना चाहती है। गीति यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, गीति पढ़ना चाहती है, शेर व शायरी करना चाहती है, मशहूर होना चाहती है, लेकिन इस शोहरत के बावजूद वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत वफादार है। गीति अपने शोहर के लिए खाना पकाती है, उसके कपड़े धोती है, उसकी हर जायज बात मानती है और उसकी हर अच्छी और बुरी आदतों को भी समझती है और अपने शोहर का एहतराम भी करती है। और जब उसका शोहर बीमार पड़ जाता है तो अपने सारे काम छोड़कर उसकी तीमारदारी भी करती है, रात दिन उसके सरहाने खड़ी रहती है ताकि उसको तन्हाई का एहसास भी ना हो। बस ये है। और आपने इसकी क्या अजीब मौत लिखी है। मैंने जब जब ये कहानी पढ़ी है तो हर बार बहुत रोया हूं, वाकई सच में। लेकिन आप क्यों रोए थे? एक औरत की वफादारी। मेरे ख्याल से आपकी गीति एक सच्ची कहानी लगती है, क्या ऐसा ही है? जी हाँ। ये आपकी वालदा की है? नहीं, मेरी खाला। वो जिंदा है? नहीं, अपने शोहर के इंतकाल के साथ माँ बाप फौत हो गई काफी पहले। खुदा उनकी मगफरत करे। उनका नाम? गीति। अच्छा, इस कहानी की बेहतरी के लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं कहानी को आसान करने के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या? कुछ रद्दो बदल। आप किस हवाले से मुझे ये राय दे रहे हैं? आप राइटर हैं या फिर अदीब? दोनों नहीं हूँ, एक पब्लिशर हूँ, वो भी मामूली सा। मेरे ख्याल से कुछ जुमलों की तब्दीली और इसलाह से ये कहानी मजीद बेहतर और सलीस हो सकती है। आप अपना ख्याल अपने पास रखें और इस पर पैसा लगाएं। अगर मैं ऐसा ख्याल ना करूं तो बेकार है। ठीक है, फिर बैठ कर ख्याल करते रहें ताकि जिंदा रह सकें। खुदा हाफिज। अजीमी साहिबा, इस कहानी के 20 सफहात में मैंने कुछ तब्दीलियां की हैं, मौका मिले तो जरूर देख लीजिएगा। मौका मिला तो जरूर देख लूंगी। ये तो खाला की दुआ वाली किताब है, आपके पास क्या कर रही है? मैं लफ़्ज़ानी तो नहीं कर सकती कि आपकी ज़बान समझ सकूं, आफाक कहाँ है? अच्छा अम्मी, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। ये कहाँ लेकर जा रही हो तुम? और अम्मी को सहन में कब तक बिठा कर रखोगी? सानास के पास जो लोग बैठे हैं, जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे आपकी अम्मी अंदर नहीं आएंगी।
आपकी लंबी उम्र हो तो अब इस तरह शर्मिंदा करोगी कि मेरे दोस्तों से मिलने की जहमत भी नहीं करोगी। तुम अपने दोस्तों के साथ मसरूफ थी इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। रहने दे, वो तो बस आपसे ही मिलने के लिए आई हैं। मुझसे मिलने? लेकिन क्यों? आपकी किताब शाये होने से पहले ये लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। पागल। परी, हेलेन। क्या हुआ तुम्हें? नहीं मालूम क्यों सर में दर्द हो रहा है। बैठो यहाँ। आप इधर बैठे मेरे पास। तुम्हारा कमरा कितना गंदा हो रहा है सानास। हाँ तो मेरे कमरे को तुम ही लोगों ने तो गंदा किया है। कैसी हो माराल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये परी क्यों नहीं आई अभी तक? परी क्यों नहीं आई? वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है, चल नहीं सकती। मराल, आप अपनी कहानी की खुद दुरुस्तगी कर रही हैं? नहीं, पब्लिशर को इजाजत दी है कि वो खुद दुरुस्तगी करे। वही नाशिर जिसे तुमने खुद ढूंढा है? उस नाशिर की अदबियात बहुत अच्छी है, उसने जुमलों को बहुत सलीस और आसान बना दिया है। क्या वाकई? हाँ, उम्दा है। अच्छा उस नाशिर का नाम क्या है? यजदान पना। हामिद यजदान पना? जी हाँ, आप जानती हैं? अदबी महफिलों की जानी पहचानी शख्सियत हैं वो, यूनिवर्सिटी में अदबियात के उस्ताद हैं, बड़े मजहबी आदमी हैं। ये जिसकी आप बात कर रही हैं, इन्हें आपने देखा है? हाँ, एक बार डॉक्टर समी के ऑफिस में। वहाँ क्या कर रहे थे? उनकी किताब की तस्हीह कर रहे थे। वही जो उनकी आखिरी किताब क्लासिक अदबियात वाली? जी हाँ। देखो, मैं जिस यजदान पन्हा की बात कर रही हूँ वो एक ऊंचे लंबे कद के आदमी है, उनकी उम्र 34-35 साल होगी। हाँ बिल्कुल वो। टेम्परेचर ज्यादा है, सो गई हैं। टेम्परेचर देखा, 102 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मराल होशंग को एक फोन कर लो कि वो यहाँ आ जाए, क्योंकि इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। आफा के तुम क्या कह रही हो? उसका दिल अभी भी होशंग के पास है, क्या उसकी आशिकाना बातें भूल गई आप? इश्को आशिकी की बात 10 साल पुरानी हो गई है, इनकी नई कहानी तलाक की कहानी है। ये दोनों अदालत तक गए हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अक्सर मियां बीवी में तलाकें हो जाती हैं और फिर से निकाह का सिलसिला हो जाता है। होशंग और सानाज एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत क्या है जानती हो? सानाज अपने कामों से हाथ उठाकर घर बैठी रहे और शौहर की खिदमत करे तो होशंग उसे फिर से चाहने लगेगा। रहने दो, बस जिंदगी में तुम एक बार भी मर्दों को समझ नहीं पाई। होशंग में किस चीज की कमी थी? घर था, गाड़ी थी और वो खुद डॉक्टर था, सब कुछ तो था। हाँ, उसके बस ठीक है, चुप हो जाओ, अम्मी को जाकर सुला दो। ये क्या कह रही हैं?
कह रही हैं ये किताब ले लो और सानास के लिए दुआ करो। हाँ ठीक है, कर लूंगी। अब ले जाओ इन्हें। मुझे नहीं पता था आज आप 7:45 मेरे ऑफिस आ जाएंगी। मुझे खुद नहीं पता था, कल रात ही सोचा मैंने आने के लिए। तो कल रात मुझे फोन कर लेती। मेरे पास आपके मोबाइल और घर का नंबर नहीं था। माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मैं मांगती हूँ। वो किस लिए? जल्दी फैसला करने पर। ये ले लें, इसकी तसीह कर लें तो मुझे खुशी होगी। खुदा हाफिज। अजीमी साहिबा, कोई एग्रीमेंट? आप जो भी लिखेंगे मैं दस्तखत कर दूंगी। जहानम शक्ल खालिश عذابه، عذابه، استرابه، استرابه، دیواری از مد، دیواری از سنگ، دیواری از روبرون، دیواری از مد. دیواری از سنگ بگو بیهوده نیست، بیهوده نیست، بگو بیهوده نیست، آب و سراب بگو، سپیدی کاغذ بیهوده نیست، بگو از کوچه پراکنده فقط کابوس و تنهایی، زدن به دریا بران شد مرگ تدریجی رویا، مرگ تدریجی رویا.
عذابه.